नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल पे न्यूक्लियर रिएक्टर पे। मेरा नाम है राजेश पासवान। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री एंड इनबिल्ट हेट्रेड इन टेक्स्ट बुक इन पाकिस्तान। अब इस वीडियो के टाइटल में ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री उनके बच्चों को जो है पढ़ाई जाती है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज़ को घटिया समझने का अंदाज इख्तियार किया गया है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे आपको पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे, हम आपकी राय इस पे चाहेंगे कि क्या ये राय जो दी गई है या जो हकायक बयान किए गए हैं ये सही हैं कि नहीं। सबसे पहले ये बताया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर कि पाकिस्तान की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम साहब से शुरू हुई और ये कहा गया कि पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद से होती है। हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम दो औरतों की चीखें सुन के उनको बचाने के लिए आ गया था। दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। मैंने पूछना ये था कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे और टेक्स्ट में भी ये बातें हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी जो है सोमनाथ का बुत तोड़ के वो हमारे हीरो ठहरते हैं, तो फिर हम ब्लास्फेमी के अगेंस्ट दूसरों पे प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भी तो किसी के होली जगह, किसी के मुकद्दस जगह की उन्होंने पामाली की, उन्होंने किसी के मंदिर को तोड़ा, तो फिर हम बाबरी मस्जिद के तोड़ने पे कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? और सीधी सी बात है बाबा, पहले जैसी ही रात है बाबा, तुम जहाज जाके अपने काबुल में करो, ये हमारा सवाल है बाबा। बात मोहम्मद बिन कासिम की किया आपने, मोहम्मद बिन कासिम को हीरो तो हम उसको पोर्ट्रेट ना लेते हैं कि ही वाज़ अ हीरो और उसके दाखिल होने से इस्लाम आया या व्हाट सो एवर। सिंध के लोग मोहम्मद बिन कासिम की डिफरेंट तारीफ बताते हैं और हमें डिफरेंट बताई जाती है। आप सिंध के किसी बंदे से पूछ लें वो ये भी कहेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो राजा दायस था उसकी दोनों बेटियों जिसका नाम हुरला देवी और शुरला देवी था उसका रेप भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। हम ये क्यों असर करते हैं, ये क्यों छुपाते हैं? इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ गई, तो फिर हमें बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान के बानी मोहम्मद बिन कासिम थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। दूसरा आपने ये फरमाया कि सती हिंदुइज्म में सती पढ़ाई जाती है, इसलिए अगर हम ये पढ़ाते हैं कि हिंदू अपनी औरतों से अच्छा सलूक नहीं करते तो क्या बुराई है? आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में सती पर पाबंदी लग चुकी है? अगर अच्छी लगे तो अच्छी बात में, अगर इंसानियत के मुताबिक कोई अच्छा अमल हो रहा है हम उसको अप्रिशिएट। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, 1940 में जाके हमें क्यों ख्याल आया कि हमें एक अलग मुसलमान रियासत बनानी चाहिए? जब पहली कैबिनेट बनाते हैं जिना तो उसमें लॉ मिनिस्टर जो है वो जोगिंदर नाथ मंडल होता है। ये कैसी इस्लामी मुमलिकत है जिसका लॉ मिनिस्टर जो है इतना अहम, वो जोगिंदर नाथ मंडल नामी आदमी है, उसका फॉरेन मिनिस्टर चौधरी जफरुल्ला है जिसका अकीदा उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल था और अब तो हमने उसको गैर मुस्लिम करार दे दिया आईनी तौर पे। छः में से छः मिनिस्टर मुकर्रर किए थे पहली कैबिनेट में जिन्ना ने, दो मिनिस्टर ये हैं जी, तो ये कैसी इस्लामी मुमलिकत जिन्ना बना रहे थे। उर्दू की क्लास 5 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके पेज 102 पे कहते हैं कि हिंदू हमेशा से इस्लाम के दुश्मन रहे हैं। फिर यहाँ पे माशरती अलूम क्लास 5 की किताब है छोटी उम्र में और कहा जाता है कि हिंदू दीन जो है वो अच्छी चीज़ें नहीं सिखाता, हिंदूज औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते। सोशल स्टडीज़ की किताब है और ये उसमें कहा गया है हिंदूज डिक्लेयर द कांग्रेस रूल एज द हिंदू रूल एंड स्टार्टेड टू अनलीश टेरर ऑन मुस्लिम्स। इसके मैं आपको इब्तिसाम अली ज़हीर साहब बहुत सारे एग्जांपल्स दे देती हूँ। इस तरह की बात करना टेक्स्ट बुक्स में क्लास 5 में जो बच्चा होता है 10-11 साल का, अगर कोई हिंदू बच्चा स्कूल में जाता है और ये कुछ पढ़ता है क्या असर होगा उसके ऊपर? और जो मुसलमान बच्चा उसके साथ बैठा पढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में? ये जो टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ के चीजें बताई हैं, ये चीजें और इनके पीछे जो सोच और फलसफा है वो पाकिस्तान को यकजा तो नहीं रख सकता, पाकिस्तान टूट गया।
आजकल भी जो पाकिस्तान में कितना खराबियां हैं, बलूचिस्तान में देख लें, फाटा में देख लें, जंग का शिकार हैं, ये इस किस्म की चीजें हमें बचा के नहीं, हमें बचाया नहीं, हमें वो उन्हीं की, हमें इससे आगे निकलना चाहिए। लेकिन जो उर्दू लिटरेचर की बात आती है, उर्दू की किताब की बात आती है, उसमें हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाने के अलावा उसमें भी आप हमें इस्लामी तारीख पढ़ाने बैठ जाते हैं, तो हमें उर्दू लिटरेचर पढ़ाएं काइंडली। हाफिज सलमान भट्ट साहब, उर्दू पढ़ानी है तो क्या लिखे उसमें? मेहदी हसन साहब, इन सबको पढ़ाए, इसके साथ साथ सादत हसन मंटो को भी पढ़ाएं, इसके साथ साथ हबीब जालिब को भी पढ़ाएं। 1971 बांग्लादेश का वॉर का नाम निशान नहीं बल्कि ये कहा गया, सर अब बात सुनिए, उसने ये कहा गया है 1948 की जो वॉर हुई थी, 60s में जो वॉर हुई थी, 1971 की जो वॉर हुई थी, वो सब कश्मीर के मसले पे हुई थी। ये इस टेक्स्ट बुक में मौजूद है। आप मुझे बताइए, क्या वक्त नहीं आ गया कि हमें अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? सीधी सीधी बात है, आप तस्लीम करें या ना करें कि हमारा मौजूदा जो करिकुलम है और हमारे जो मौजूदा टीचर्स हैं स्कूल्स के, उनकी जो ट्रेनिंग है, ये लोग और ये करिकुलम ऐसी नस्ल, ऐसी जनरेशन बनाने में कामयाब नहीं होगा जो दुनिया की तरक्की याफ्ता अकवाम का मुकाबला कर सके। सर, मेरा ताल्लुक कैलाश वैली से है और मेरे आप चारों से एक क्वेश्चन है। हमारे पास कैलाश वैली में गवर्नमेंट स्कूल के अलावा कोई चॉइस नहीं होता, और गवर्नमेंट स्कूलों में हमें इस्लामी स्टडी और इस्लामी कंपलसरी जो है दोनों हमें पढ़ाया जाता है, जिसके लिए हमें मदरसों में ट्यूशन करना पड़ता है। सर ये बात है, एक तो हम उसको समझते ही नहीं है, ऊपर से हमें जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसलत किया जाता है उसको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए माइनॉरिटीज के लिए कोई और सब्जेक्ट रखा जाए? आपका मुतालबा बिल्कुल जायज है, अगर आप गैर मुस्लिम, आपके लिए इस्लाम में पढ़ना कतन जरूरी नहीं, अगर आपको सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस किया जाए हम इसकी मुखालफत नहीं। क्या ये तालिबान ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं जो वो नफरत या दहशतगर्दी फैला रहे हैं? गुजरात में जो फसादात हुए थे, क्या उन्होंने करिकुलम पढ़ा था वो फसादात फैला रहे हैं? तो दोस्तों ये थी वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं शॉक में हूँ कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल और कैसी गलत हिस्ट्री जो है वो डाली जा रही है। हालांकि मैंने एक बार एक न्यूज़ सुनी थी, आई थिंक कुछ साल पहले, एक दो साल पहले, कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि वहाँ की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनमें थोड़ा मतलब उनमें चेंज लाया जाए, क्योंकि वो बहुत ही गलत तरह से हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के बच्चों को जो ये पढ़ाया जा रहा है, और उसमें ज़्यादातर यही दिखाया जाता है कि मतलब हर तरह से पाकिस्तान सही है, वही सही था, और जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो बाहर से आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अटैक करने के लिए, वो एक्चुअल में हीरो थे और वही मतलब सही थे। जैसा कि अभी हमने इस वीडियो में देखा, इसमें मोहम्मद बिन कासिम की बात होती है। अब मोहम्मद बिन कासिम, जैसा कि इस वीडियो में मतलब एक बंदे ने कहा कि बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, जब वो आए थे तो उनकी वजह से ही जो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की नींव तब पड़ी थी। अब उन्होंने कुछ उर्दू वर्ड यूज़ किया था, पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ शायद उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम के आने से हुई, ठीक है, और वो और उनको वो बहुत ज़्यादा हीरोइक कैरेक्टर की तरह मतलब शो किया जाता है। बाकी मैंने जहाँ तक हिस्ट्री पे अब तक पढ़ी है, वैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ अपने कुछ प्रोफेशन के लिए। तो वहाँ पर मैंने ये था कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तो जो राजा दाहिर था सिंध का जो राजा था उसको हरा दिया था, फिर राजा दाहिर जो थे वो लड़ाई के वक्त ही मारे गए थे, और जो उनकी दो बेटियां थी फिर उनको एज अ गिफ्ट जो उस टाइम के जो खलीफा थे, आई थिंक खलीफा कुछ वालिद करके था नाम, तो उनको जो पेश किया गया था, और फिर वहाँ पर उन दोनों
जो राजकुमारियाँ थी उन्होंने उन्हें बताया कि मोहम्मद बिन काजिम ने हमें मतलब वॉलेट किया है हमारी, तो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है। तो ये सुन के जो खलीफा थे उनको बहुत गुस्सा आया है कि मतलब एक तो तुम ऐसा काम करके हो, फिर उन्हें मुझे खलीफा को एज अ गिफ्ट दे रहे हो। तो और फिर उस फिर उन्होंने जो मोहम्मद बिन काजिम को था काफ़ी दर्दनाक तरीके से वो मौत दी थी, ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है कि ऐसा ही था। और बट मुझे ही लगता है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में जो है पढ़ाया जाता होगा। अब जैसे कि वो जो एंकर थे वो कह रहे थे कि पाँचवीं साल के बच्चों को ही ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं होते, हिंदू अपने जो औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और सती सिस्टम उनको अब तक बताया जाता है कि हिंदुज़म में सती सिस्टम प्रैक्टिस होता है। सती सिस्टम एक बुरी प्रथा थी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये तो बहुत साल पहले ही जो है इंडिया में ख़त्म हो गई थी, पर पाकिस्तान में अभी तक वहाँ पर जो है पढ़ाया जा रहा है। मतलब ये सब कुछ देख के मुझे इतना मालूम पड़ा है कि वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इस्लाम बेस्ट है और बाकी सभी धर्म अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो अब जरा सोचिए कि इतनी छोटी सी उम्र से आपको ये सब बताया जाए, तो बड़े हो के तो आप एक एक्सट्रीमिज्म मतलब एक्सट्रीमिस्ट नेचर के तो बन ही जाओगे। तो ये जो जिहादी जो सोच है ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि बचपन से ही थोड़ा थोड़ा करके डाली जाती है वहाँ पर। और वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मतलब सभी नहीं है वहाँ पर कुछ, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मैंने न्यूज़ सुना था कि वहाँ पर काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये नहीं, हिस्ट्री को चेंज करना चाहिए, इतना ज़्यादा तोड़ मोड़ के बच्चों को जो है पेश नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर सिंध प्रोविंस, क्योंकि राजा वो दाही जो थे जो मोहम्मद काजिम के साथ इनकी लड़ाई हुई थी वो वहाँ पर वो सिंध के ही थे, तो सिंध के लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं। तो ये था। और एक वो मोहम्मद बिन गजनवी की बात थी कि वहाँ पर भी उनको हीरो समझा जाता है, पर ये नहीं बताया जाता कि 17 बार जो उसने जो है इंडिया पे अटैक किया था, वो सोमनाथ टेंपल को बहुत बुरी तरह लूटा था, और बाद में आई थिंक 1026 जो ईयर था उसमें वो सोमनाथ टेंपल को तोड़ भी दिया था। तो यानी बहुत कुछ छुपाया जाता है वहाँ और बहुत तोड़ मोड़ की चीज़ों को पेश किया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इससे ऑब्वियसली बात है वो बड़े होके उनका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि नहीं, पाकिस्तान हमेशा सही था और मतलब इस्लाम जो है बिल्कुल टॉप पे है। मैं इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा ये मानना है कि अपने धर्म को सुप्रीम समझना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हर धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि सुप्रीजम का अगर आपके अंदर फैक्टर आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो आपसे सब उल्टे पुल्टे काम ही होंगे। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा मतलब अच्छा लगा हो, आपको मेरा रिएक्शन थोड़ा भी अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट में आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किसके बिहाफ पे चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फ़नी वीडियो चाहिए मतलब फ़नी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए मेरा, तो आप मुझे वो बताइए। आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जैसे भी चाहिए, पर मैं चाहूँगा कि आप मुझे सजेस्ट करें ताकि मुझे मालूम पड़े कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।